मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम देखने वाले थे कि हमने तीन टाइप पिछली वीडियो में देख लिए थे। ये टाइप नंबर चौथा है, बटे वाले क्वेश्चन है, अपॉन वाले क्वेश्चन है। मूलधन का एक्स बटे वाई हो जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये देखा आपने 16/25 है, किसका? एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, तदनुसार वहाँ अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर और अवधि के वर्ष एक समान है। तो यहाँ पर दर और समय आपस में क्या है, संख्यात्मक मान बराबर होना चाहिए, तो टाइप नंबर चौथा है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर दिया है दर और समय, तो दर और समय यहाँ पर बराबर दिया है। क्या दिया है? बराबर। तो एक काम करते हैं, दर को एक समान लेते हैं तो समय को भी क्या मान लिया, एक समान लिया। तो यहाँ पर बोला साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, उस राशि का 16/25 है, 16/25। देखो समझना भी है 16/25 है क्या। साधारण ब्याज उस राशि का लगा है, तो मतलब कि वो राशि ये होगी, क्या होगी, राशि ये होगी, अर्थात इसको बोलेंगे हम मूलधन। क्या बोलेंगे? मूलधन बोल देंगे। और ऊपर दिया है साधारण ब्याज, क्या दिया है, साधारण ब्याज दिया है, तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। अब आपको देखना होगा कि यहाँ पर ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला आपने देखा साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज कैसे निकलता है, दर इंटू समय, यानी कि एक्स का गुणा एक्स में कर देंगे, एक्स का गुणा एक्स में कर देंगे बराबर 16/25 दिया है। अब यहाँ पर देखना है ये दर है, क्या है दर, तो दर के अपॉन में क्या लग जाएगा, 100 लगता है, दर के अपॉन में क्या लगता है, 100 लगता है, तो 100 का गुणा कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। एक्स का गुणा एक्स में करेंगे क्या होगा, एक्स का वर्ग बराबर, इसका गुणा इधर करेंगे तो 16/25 इंटू 100, ये वर्ग हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो एक्स बराबर आया 16 का तो 4 बाहर आ गया, और 25 का 5 बाहर आ गया, और 100 का 10 बाहर आ गया, कितने आ गए, 10 बाहर आ गए। तो अब इस क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पर 5 से कैंसिल आउट किया कितनी बार, 2 बार, 5 से कैंसिल आउट किया कितनी बार, 2 बार, तो 4 का गुणा कर दिया कितने में, 2 में, कितने हो गए, 8, यानी कि एक्स यानी कि दर भी कितनी आई है, 8 आई है, दर भी कितनी आई है, 8, और उसके बाद समय भी कितना आया है, 8 वर्ष आया, कितना वर्ष आया है, 8 वर्ष। या तो आपसे दर पूछ ले या आपसे समय पूछ ले, तो कुछ भी पूछ ले आपका क्या आया, 8 आया। तो आपने देखा कि जब संख्यात्मक मान दर का और समय का बराबर होता है तो क्या बनता है, ये वाला क्या बनता है, हमारा कॉन्सेप्ट बनता है। तो डायरेक्ट हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे लिखेंगे, अब बार बार नहीं करेंगे। जब कभी भी संख्यात्मक मान बराबर आता हो तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, या तो दर लिख लो या फिर समय लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो यहाँ पर आएगा दर या समय, क्योंकि संख्यात्मक मान बराबर है, तो अंडर रूट के अंदर आएगा एक्स बटे में वाई इंटू 100, ये आ जाएगा। और इसके बाद जो वैल्यू निकल के आएगी, या तो वो दर की होगी या वो समय की होगी। तो अगले क्वेश्चन, अब डायरेक्ट इसको ट्रिक के माध्यम से करते हैं। कितना दिया था, 16/25 दिया और इंटू 100 है, और अंडर रूट के अंदर ये है, या तो रेट निकल के आएगी या टाइम निकल के आएगा, दो सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 16 का 4 बार आया, 25 का 5 बार आया, 100 का 10 बार आया, 5 एकम 5, 5 दून 10, 4 दून 8, यानी कि 8% है और 8 ही वर्ष है, 8% है और 8 ही वर्ष है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। ये अगला क्वेश्चन मैं इसको रब कर देता हूँ, तब तक अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो आप। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भागे, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। तो समझना आपको ये पड़ेगा, क्या यहाँ पर आपको समय
और दर का संख्यात्मक मान बराबर बोला है क्या? आप बोलोगे जी नहीं बोला है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, वो रूल अपनाना भी नहीं है। देखो कैसे, संख्यात्मक मान जब बराबर होता है दर का और समय का तभी बोलते हैं। तो मूलधन का 2/5 है, 2/5 है मूलधन का, तो मूलधन कितना हो गया? 5 हो गया, क्योंकि मूलधन का बोला है ना, प्रिंसिपल कितना हो गया? 5। और साधारण ब्याज बोला है तो साधारण ब्याज कितना हो गया? साधारण ब्याज 2 हो गया, कितना हो गया? 2। और कितने वर्षों में मिला है? 5 वर्षों में मिला है, अर्थात हम बोलेंगे कि 2 ब्याज मिला है कितने वर्षों में? 5 वर्षों में, और मूलधन कितना था? 5 था। परसेंट के लिए क्या लगा दें? 100, 25 25 25 24 100, यानी कि 4 × 2 = 8, यानी कि 8% की दर होगी। कितनी होगी? 8% की दर होगी। कहाँ दिया है 8%? कहीं भी नहीं दिया, अर्थात इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर का हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना गलती से लग गए हैं, तो इन पॉइंटों को क्या करना पड़ेगा? आपको इग्नोर करना पड़ेगा, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन दिया है, अगले क्वेश्चन को देखो अब आप, अगले क्वेश्चन को देखो आप, क्या बोल रहा है? किसी साधारण ब्याज वार्षिक दर पर 4 वर्षों में किसी ब्याज की कुल राशि मूलधन की 8/5 हो जाती है। मतलब कि जो ब्याज है ना 8/25 है, 8/25 वो 4 वर्षों में हो जाता है, तो वहीं फिर देखना पड़ेगा 8/25 कितना दिया है? 8/25, ये तो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल 8 हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 कितने वर्षों में? देखो 8 ब्याज मिला हमें कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। और किस पर मिला? 25 मूलधन पर मिला। तो यहाँ पर दर पूछी है, तो दर निकालने के लिए क्या लगा दे? 100 लगा दे। तो 25 × 100 से 100 कैंसिल, 8% यहाँ पर आ गई। यहाँ भी दर कितनी आई है? 8 आई है। दर कितनी आई है? 8, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है। मतलब यहाँ पर दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर दिया है। तो जब कभी भी दर या समय का संख्यात्मक मान बराबर दिया हो, तो हम क्या अपनाएंगे? अंडर रूट के अंदर 100/y × 100 अपनाएंगे। तो 100/y मतलब कि 1/9 दिया है आपको, और इंटू क्या लगा देंगे? 100। और ये किसके अंदर है? अंडर रूट के अंदर। एक का एक बार निकल के आएगा, और यहाँ पर आएगा कितना? 9 का 3 बार निकल के आएगा, और 100 का कितना आएगा? 10 बार निकल के आएगा। तो 3 में जब 10 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 सहित 1/3% बोल दो, या फिर या तो दर बोल दो या फिर समय बोल दो, दर बोल दो या फिर समय बोल दो, 3 सहित 1/3 आएगा। मतलब कि ये सी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यही है और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है, जहाँ निवेश के वर्षों की संख्या और प्रतिशत दर बराबर है। फिर वही दर और समय बराबर दे दिया, तो दर या समय निकालने के लिए 100/y × 100 इसको किसके अंदर रखेंगे? अंडर रूट के अंदर रखेंगे। 1/25 दिया है, 1/25 लिखा, इंटू 100 लिखा, और इसको अंडर रूट के अंदर बंद कर दिया। एक का भार आ गया 1, 25 का भार आ गया 5, और 100 का भार आ गया 10, 5 × 10, यानी कि यहाँ पर या तो रेट या टाइम कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2। तो यानी कि यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका मतलब हमने यहाँ पर टाइप कंप्लीट कर लिया है। ये टाइप जब दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, तो इस टाइप से ये ट्रिक है अपनी। ये ट्रिक आपको पता है कहाँ से निकाली है? वो भी हमने निकाल ली है। इस ट्रिक को कहाँ से लेके आए, तो ये ट्रिक कैसे आई है?